हिंदू धर्म में सूर्य भगवान की पूजा का विशेष स्थान है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है और कहा जाता है कि सूर्य की मजबूत स्थिति वाले जातक धन संपदा में कभी कमी नहीं देखते। प्रतिदिन सूर्य के समय सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा भी हमारे यहाँ प्रचलित है। सूर्य नारायण भगवान नित्य प्रति उदय होते हैं और नित्य प्रति अनेकों सूर्य के भक्तों का, सूर्य के जातकों का उद्धार करते हैं। यदि हम हमारे जीवन में भगवान सूर्य की कृपा चाहते हैं तो हमें चाहिए कि सूर्य का नियमित रूप से जल चढ़ाए और वो भी समय पर। सूर्य देव को जल देने का सबसे शुभ समय सूर्योदय के ठीक बाद का एक घंटा होता है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य रवि शुक्ला के अनुसार सुबह के 6:15 से 6:45 तक का समय सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए उत्तम माना गया है। लगभग सूर्य 6 बजे उदय हो जाते हैं। सूर्य देवता आभा मंडल लेकर के सूर्य मंडल में, आकाश मंडल में प्रकट हो जाते हैं। उस समय से 1 घंटे के भीतर जो व्यक्ति भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाता है उसके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि और परिवर्तन आता है, शुभता की ओर उसका जीवन जाता है। और जो व्यक्ति सूर्य नारायण भगवान को 1 घंटे के अंदर जल चढ़ाता है, भगवान सूर्य की पावन रश्मियाँ जो रोग नाश करने वाली जो शक्ति है वो उनको प्राप्त होती है। सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। कुंडली में यदि उसका सूर्य नीच का है या कमजोर है या तो भी वह सूर्य प्रबल जैसा होता है उस प्रकार से उसकी कुंडली का सूर्य काम कर सकता है। यदि वह सूर्य नारायण भगवान को नियमित रूप से सूर्य उदय से 1 घंटे के अंतराल में भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ावे तो सूर्य को जल चढ़ाने से क्या लाभ होता है, आइए जानते हैं। विवाह में सुधार। अगर विवाह में विलंब हो रहा है तो सूर्य देव को नित्य जल चढ़ाने से रिश्तों में सुधार आता है। ऊर्जा में वृद्धि। रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। मान सम्मान में वृद्धि। सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। भाग्योदय। सूर्य को नियमित रूप से जल देने से भाग्योदय के योग बनते हैं। क्या आपको पता है जल चढ़ाने का सही तरीका? सूर्य देव को जल चढ़ाते समय तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। जल में कुमकुम फूल और अक्षत मिलाकर सूर्य देव के कोई भी मंत्र का जाप करें और उन्हें ये अर्पित करें। जल देते समय आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए और लोटे को कम से कम 8 इंच ऊपर रखना चाहिए ताकि जल गिरते समय सूर्य की किरणें आप पर पड़े। सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना अति आवश्यक है। सूर्य प्रणाम करें। यदि कोई व्यक्ति रोज सूर्य को अर्घ नहीं दे सकता तो वह रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें, लेकिन वही शर्त है कि सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर यह जल चढ़ जाना चाहिए। सूर्योदय का समय लगभग 6 बजे का रहता है, तो 6 बजे से 6:45 तक भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। नहीं तो जो जैसा भगवान सूर्य नारायण की आराधना करता है वह यह प्रयास करे कि हम 6 बजे के बाद 6:45 तक हम भगवान सूर्य को जल चढ़ा दें। ऐसा करने से हमारे जीवन में लाभ होगा। तो ये थे सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए शुभ समय और उनके लाभ। इन उपाय को अपनाकर आप अपने जीवन में धन समृद्धि और स्वास्थ्य में वृद्धि देख सकते हैं। लोकल 18 उज्जैन से शुभम मर्मट की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।